खाद्य वस्तु पर जीएसटी लग जाने से चर्चाओं का बाजार लगातार गर्म है। लोगों का कहना है कि एक तो खाद्य वस्तुएं पहले से ही महंगी थी, ऊपर से जीएसटी लगा दी गई है, जिसके चलते मजदूर, किसान और गरीब रेखा से नीचे जीने वाले लोग काफी बेहाल नजर आ रहे हैं। खाद्य वस्तुओं पर जीएसटी लग जाने से चर्चाओं का बाजार लगातार गर्म है। लोगों का कहना है कि एक तो खाद्य वस्तुएं पहले से ही महंगी थी, ऊपर से जीएसटी लगा दी गई है, जिसके चलते अब मजदूर, किसान और गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार काफी बेहाल नजर आ रहे हैं। वहीं लोगों का ये भी कहना है कि खाद्य वस्तुओं पर जीएसटी को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि खाद्य वस्तु पहले से ही काफी महंगी है। ऊपर से दूध, पनीर, मक्खन, आटा आदि पर जीएसटी प्रभावी हो जाने से महंगाई और बेलगाम हो जाएगी। साथ ही आगे कहा कि ग्रामीण इलाकों में लोग परेशान होने लगेंगे, क्योंकि रोजगार और मजदूरी नहीं है। ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी छोटे बच्चों के सामने आएगी, क्योंकि दूध जैसी चीज पर जीएसटी लगाना बदहाल कर देगा। सरकार को चाहिए कि वो खाद्य वस्तुओं पर जीएसटी ना लगाए, क्योंकि रोजमर्रा की खाने पीने की चीजों पर जब लगातार जीएसटी जाती रहेगी और मजदूरी नहीं मिल पाएगी तो आम आदमी परेशान होगा। इसलिए सरकार को इस ओर देखना होगा और मध्यम वर्ग के परिवार के लिए सरकार को कुछ न कुछ रियायत करनी होगी। जिस तरह से महंगाई बेलगाम होती जा रही है और ऊपर से जीएसटी प्रभावी कर दी जा रही है, वो कोई शुभ संकेत नहीं माना जा सकता। वहीं अपनी प्रतिक्रियाओं को पेश करते हुए लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। ये सारा भार तो आम आदमी की जेब पे पड़ता है, जो गरीब आदमी है उसको बहुत बड़ा भार पड़ेगा इस चीज़ का, और उससे ज़्यादा परेशानी है। ये और सुबह शाम तक 500-400 की मजदूरी करता है और 6 रुपये दूध में दे दिए उन्हें और खाद वस्तु में दे दिए, तो उसका पैसा तो बचेगा नहीं। इसलिए सबसे ज़्यादा जो परेशानी आई वो गरीब आदमी। क्या मानते हैं सरकार का फैसला ठीक है या इसको वापस लेना चाहिए? नहीं, सरकार का मामला ये वापिस लेना चाहिए, वैसे गरीब लोगों पे ये चीज़ें नहीं पड़नी चाहिए। फर्क काफ़ी फर्क पड़ेगा, जो गरीब जनता है बहुत दिक्कत में आ जाएगी, क्योंकि पहले ही महंगाई बहुत तेज है और जैसे जीएसटी लगा दी है दूध दही वगैरह पर, इससे ज़्यादा ही परेशानी पड़ने वाली है, ग्राहकी कमज़ोर होने वाली है, काम वैसे ही कम चल रहा है इसको। तो क्या मानते हैं क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से सरकार को जीएसटी हटा देनी चाहिए, गरीबों की तरफ को देखना चाहिए, गरीबों की सहायता करनी चाहिए। जनता बहुत परेशान है, वैसे ही सिलेंडर 1120 रुपए का सिलेंडर हो गया, काफ़ी महंगाई है जनता के लिए, कुछ ना कुछ सरकार को करना चाहिए। मैं सरकार से अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। गौरतलब है कि अब देखना होगा कि सरकार जीएसटी को कम करती है या नहीं।